Excuse me, are you Mr. James Watterson? Yes, I'm sorry, but I don't recognize you. Who are you? We just wanted to meet your wife, Anisha. She's from India, right? No, my wife's name is Stella and she's from Australia. Oh, we're really sorry. Actually, we're looking for our relative whose name is Anisha. Sorry for the confusion. Good luck, guys. I hope you're having a good time in Australia. Thank you. घूमने ही आएंगे ना कोई फिशिंग करने थोड़ी आएगी आए तो साथ में घूमते हाँ। ओके गाइस तुम लोग मुझे बाहर मिलो मैं एक कॉल करके आता हूँ मिस्टर वॉटरसन हाय मिस्टर जेम्स वॉटरसन माय नेम इज जेम्स वॉटरसन माय वाइफ नेम इज स्टेला एंड शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एनीथिंग एल्स नो नथिंग Have a nice day, thank you. Pankhuri, we need to be more careful, yaar. Aaj almost pakdi jane wala hai. Haan di, sach mein. Bas ab hame bahut dhyan rakhna hoga taki Rubal bhai aur Payal ka honeymoon disturb na ho. Wo to hai. Tu tension mat le yaar. Main hu na. You know what, Payal? Aquarium mein jo James tha, usse jab maine uski wife ka naam pucha to usne aise react kiya jaise already kisi ne usse same question pucha. कहीं आदि और पंखुड़ी तो कम ऑन रूबल आदि पंखुड़ी को कैसे पता चलेगा क्या रहने दीजिए आदि आदि क्या पंखुड़ी मेरे भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसे इतना डांट रही हो अरे ये हर बार काम ही ऐसे करते कि मुझे इन्हें डांटना पड़ता अरे तू समझती नहीं यार तेरी डांट खाने के लिए ही ना मैं काम ऐसे करता हूँ जाने मन वैसे पायल इतना स्वीट हस्बैंड कहीं तूने देखा है देखा है अच्छा तो फिर ठीक है अपना वॉलेट दो वॉलेट हाँ तो लेना क्योंकि हर प्यारा पति अपनी प्यारी पत्नी को दिल खोल के शॉपिंग करने देता है और अपना क्रेडिट कार्ड चुपचाप उसके हाथ में दे देता है तुम क्या हंस रहे हो पंखुड़ी ग्रेट आइडिया मैं तुम्हें यहाँ खड़े रहकर सिर्फ मुस्कुराने के लिए नहीं लेकर आई हूँ क्रेडिट कार्ड निकालो मर गया देखा आदि जैसे शॉपिंग का नाम सुना दोनों ने अपने रंग बदल दिए वॉलेट सही है ना ये लो खुश रहो एनीवेज तुम लोग शॉपिंग जाना तो लेट्स गो टू ब्लॉक एंड आर्केड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या और हम ना कारा के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे और बाकी उन्होंने जो मुझे लंबी लिस्ट दी है ना वो भी खरीद डालेंगे हम लोग कूल तो चलो होटल चलते हैं क्यों तुम कुछ भूल गई क्या अरे कुछ भूल ही नहीं हूं सूटकेस में इतना सारा सामान भर के लेके आई हूं इतने सारे कपड़े होटल में थोड़ी ना छोड़ूंगी शॉपिंग जाने से पहले चेंज करूंगी बिकॉज़ आई वांट टू लुक बेस्ट बड़े ग्रेट आईडिया यार बैगेज तो मैं ही बहुत लाया हूं नए कपड़े पहनेंगे यार तुम लोग समझ गए ना जाओ यहाँ से विक्रम जी आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा कल रात को गामा मॉल में आग लग गई थी और सुना है कि उसी मॉल में प्रीति जी का स्टोर है और उनके स्टोर के साथ साथ आसपास जितनी भी दुकानें थी सब में आग लग गई रियली रियली सैड फिर तो प्रीति को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा और समझ में मुझे ये नहीं आ रहा कि उस फाइनेंशियल लॉस को पूरा कैसे करेगी यार वैसे ये कपड़े चेंज करने का आइडिया वो तो गुड आइडिया नहीं हाँ तो ये बोलेगा ही क्योंकि तूने अपने साथ में इतने सारे बैग्स जो लाए थे तो उसमें रखे हुए कपड़े तो यूज करने ही होंगे ना ठीक है क्या हम बातें बाद में कर सकते हैं और अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हैं अरे अंदर अंदर मैं नहीं आने वाला है अरे तुम लोग को शॉपिंग करनी है तुम लोग जाओ मैं और आदि यही बैठ गए अगर तुम लोग यहाँ खड़े रहोगे तो हमारे शॉपिंग बैग्स कौन उठाएगा एग्जैक्टली इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आना चाहता अगर हम दोनों तुम्हारे साथ अंदर आए ना तो तुम्हारे असिस्टेंट बनकर हमें तुम्हारे सिर्फ बिल पे करने होंगे और तुम्हारे स्टूपिड शॉपिंग बैग उठाने होंगे हाउ मीन इज दैट छोड़ो पायल चलो हम खुद मैनेज करते हैं अरे नहीं नहीं हां जाओ नहीं मैं आता हूं अरे आधी मेरे भाई अपनी जान की फिक्र कर यहीं वेट कर ले मेरी जान शहीद होने में ना एक अलग मजा है दैट्स द पॉइंट शहीद होने में वैसे जहां आए ना रॉयल ब्लॉक एंड आर्केड रूबल यार इट विल बी फन हियर चलेगा बिल्कुल नहीं अच्छा ठीक है अब तुम लोगों ने डिसाइड किया ही है तो यू गाइस गो अहेड हाँ मेरे भाई
जब तू शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे लौटेगा ना तो तेरा भाई तुझे यही खड़ा मिलेगा विद एनर्जी ड्रिंक फॉर यू, यू नो व्हाई? दैट टाइम यू विल नीड इट द मोस्ट। जा रे, अब जा, चलो गो एंजॉय, हैव फन। इट्स रियली सैड यार, रियली सैड। आई मीन प्रीति एंड समीर ने स्टोर के पीछे कितनी मेहनत की थी। क्या मिस्टर सिंह? एक्चुअली मैंने कुछ रूमर्स सुने थे आश्रम के बारे में। व्हाट रूमर्स? जी मैंने सुना है कि आश्रम के एडमिनिस्ट्रेटर्स आश्रम में रहने वाली विधवा औरतों को बहुत परेशान करते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि उनको बहुत मारते पीटते हैं। मिस्टर सिंह, आर यू श्योर अबाउट दिस? जी मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अगर अपने तौर पर पता लगा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। प्लीज मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। जी श्योर। मिस्टर धनराजगिर का केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता जा रहा है? वैसे अब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बोलोगी बोलता है, लेकिन I have an idea। अब बोलोगे भी क्या आइडिया है? तुम मानोगे नहीं? You bounce your idea ना? मानना नहीं मानना है, I will decide। I think कि तुम्हें शीला भाभी और उनके सास बचाओ ग्रुप की हेल्प लेनी चाहिए। See, I knew it, तुम्हें आइडिया अच्छा ही लगेगा। पर अगर शीला भाभी सास बचाओ ग्रुप की तरफ से आश्रम में जाती हैं और यू नो चैरिटी के बहाने कुछ टाइम स्पेंड करती हैं, तो शीला भाभी बीइंग शीला भाभी जरूर से ज्यादा अंदर की बात खींच के बाहर लाएंगी। ओके लेट्स स्टॉप द आइडिया, कुछ और तरीका सोचते हैं। नो वेट, दिस विल वर्क राइट? ऑफ कोर्स इट विल वर्क, स्पेशली अगर तुम जाके शीला भाभी से बोलोगी तो वो डेफिनेटली मानेगी। इंसान गलतियों से ही सीखता है ना। मैंने सोचा था कि मैं कायरा की वेडिंग के लिए कुछ गिफ्ट ले लूंगा, लेकिन इन लड़कियों के साथ शॉपिंग करते करते ना कुछ नहीं होता, थक जाता है इंसान। सॉरी यार आदि, एक्चुअली मुझे भी कायरा के लिए कुछ लेना चाहिए। बट एनीवेज यू नो व्हाट आदि, कुछ चीजें ना सिर्फ औरतों के लिए बनी है, उसे सिर्फ औरतों के लिए छोड़ देनी चाहिए। हेलो, तुम्हें कुछ आदि से सीखना चाहिए। बेचारे को हमने जैसा जैसा कहा उसने वैसा वैसा किया, पता है? और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। क्या? नहीं, नहीं। पर जो भी हो, हमने कायरा के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है ना, I'm sure वो सब कुछ देख के इतनी खुश होगी ना। तुम ठीक कह रही हो पंखुड़ी, कायरा बहुत खुश होगी। काश वो हमेशा हमारे साथ रह सकती है।
You know what you mean. You see, I guess this is how things happen. And this is how things should happen. But Adi, life kitni weird hai na. I mean, बचपन से ही मैं और कारा एक दूसरे से इतने अलग रहे, दूर रहे. बड़ा भाई होने के नाते कभी मैंने उसकी कभी परवाह की ही नहीं. बट आज ऐसा फील हो रहा है कि काश मैंने मेरी सिस्टर को भी पैम्पर किया होगा, कभी उसे तंग किया होगा. टेंशन मत ले, ओके? हमारे हिस्से की पैम्परिंग, तंग करना, इरिटेट करना, ये सब ना वरुण से करवाएंगे. प्यार करना तक तो ठीक है यार, पैम्परिंग करना तक भी ठीक है, अगर उसने मेरी सिस्टर को रुलाया ना, ही हैड इट. अदि मैंने कभी कहा नहीं, माय सिस्टर, शी इज वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टर. वरुण अगर कभी उसे रुलाया ना, मैं उसे जिंदगी भर रुलाऊंगा, जान ले लूंगा उसकी. फील यू माय मैन. यू नो रुबल, हमारे होते हुए ना हमारी बहन को कोई तंग नहीं कर सकता. शी ऑल्सो हैज द वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर्स. और तू स्ट्रेस मत ले, वरुण को ना अपनी टीम में कर लेंगे, उसे पट्टी पढ़ा लेंगे उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? अरे आप दोनों इतना सीरियस भी होते हो? बट ऐसा फील करना एकदम नॉर्मल है. एंड यू नो व्हाट, अभी ना कायरा के पेट में बटरफ्लाइज घूमना शुरू हो गई होगी. ओ, मैं तो डर गया पेट में. इसलिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा. ओके, यू आर राइट पंखड़ी. एनीवेज, पंखड़ी एंड आदि तुम लोग होटल चलो, मैं और पायल एक मेरे फ्रेंड को मिल के आते. एक्चुअली इज माय कॉलेज फ्रेंड, वो इस वक्त मेलबर्न में ही काम कर रहा है. परफेक्ट, ये काम करता हूँ मैं और पंखुड़ी होटल जाते हैं. We'll take all your bags, हाँ, don't worry. सारे बैग ले आते हैं एंड उसके बाद we have to go out. So I will see you guys. Have fun, see. चले? Bye guys. Bye, see you. Have fun. मस्ती मत करना. अब हम कहाँ जाएंगे? यार होटल जाते हैं, we'll drop the bags and उसके बाद MCG, Melbourne Cricket Ground. हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग अगले जेम्स वॉटरसन वही तो मिलेंगे. प्रीति, कुछ खा लो. समीर और तुम्हारे पापा मॉल गए हैं, उन्हें आने में काफी वक्त लग जाएगा. मॉम, मैंने आपसे जो कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी. उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कह रही हूँ, क्या बोल रही हूँ. मैंने अगर आपको हर्ट किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी. ये सच है कि मैंने हमेशा तुम्हें खुद का बिजनेस करने से रोका जरूर, लेकिन कभी किसी बुरी भावना से मैंने नहीं कहा था. बस एक मां ने अपनी चिंता जाहिर की थी. हेलो, इज दैट मिसेस प्रीति देश पांडे? आई एम कॉलिंग फ्रॉम HN ग्रुप ऑफ कंपनीज. यस, टेल मी. मैम, एक्चुअली हमारी कंपनी आपसे एक मीटिंग फिक्सअप करना चाहती है रिगार्डिंग सम प्रोजेक्ट. मुझसे? किस प्रोजेक्ट के बारे में? एंड व्हाई मी? मैम, इन सवालों के जवाब तो मेरे बॉस ही आपको दे सकते हैं. उन्होंने मुझे आपसे मीटिंग फिक्सअप करने के लिए कहा था, इसलिए अगर आप आज आधे घंटे भी हमें मिल पाए तो इट विल बी ग्रेट. कहाँ आना है? ठीक है. I am so excited यहाँ आने के लिए ना. Oh my God, I can't tell you. पंखड़ी,
आदि, तुम लोग यहाँ कैसे? हाँ, MCG, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, यार अगर ऑस्ट्रेलिया में आकर यहाँ नहीं आए तो फिर मतलब ही क्या? वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दैट फ्रेंड आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो यही काम करता है। कौन सा फ्रेंड? जेम्स वॉटरसन। Excuse me, Addy. You're looking for James Watterson, are you? Yes. I'm sorry to inform you that he died 2 years ago. Right? He's no more. Does he have an address? Does he have family here? No, I'm sorry. He lived alone. He had no family. Iska matlab ki ye Anisha Nani ke husband James Watterson nahi. थैंक यू। नॉरिस। आदि, इसका मतलब तुम लोग भी जेम्स वॉटरसन को ढूंढ रहे थे, तो ये बात हमसे छुपाई क्यों? अबे तूने क्यों छुपाई ये बात? एक्चुअली वी डिड नॉट वांट टू स्पॉइल योर हनीमून। सेम हियर यार, हमें भी हमारा हनीमून स्पॉइल नहीं करना था। तो अच्छा, अब जब हम चारों अनीशा नानी जी को ढूंढ रहे हैं तो उनसे मिले बिना वापस इंडिया नहीं जाएंगे, तो चार स्पॉट्स में से दो, एक क्रिकेट ग्राउंड और एक एक्वेरियम, दे आर आउट, तो बचे दो और जगह हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान? आई थिंक हमें जो भी करना होगा अभी साथ मिलकर करना होगा। हाँ, हम साथ मिलकर ही करेंगे, लेकिन अब जब यहाँ आए गए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं ना। नानू को टेनिस के अलावा क्रिकेट का कितना शौक था। यू नो, एवरी टाइम जब घर में हम लोग टीवी पर मैच देखते थे तो नानू और शैंकी कैसे मस्ती किया करते थे यार, सो मच फन। नानू कितना प्यार करते थे ना हम सबसे, हर एक रिश्ते के लिए कितना कुछ करते थे। I'm sure आदि, जब नानी जी को पता चलेगा ना कि हम नाना जी की फैमिली से हैं, तो वो बहुत खुश होंगे। और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि नानी जी ने अब तक उनके सारे गिफ्ट संभाल के रखे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। I'm sure. But I feel to understand one thing. अगर दादाजी अनीशा दादी जी से इतने क्लोज थे, I mean, उसने अपनी सिस्टर की तरह कंसिडर करते थे, तो आज तक उनसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं रखा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें Star Plus YouTube page को।